हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू योर ऑन चैनल राइट ऑन। जेडे भी स्टूडेंट्स मैथ मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं ज करना चाहते हैं और बहुत ही इजीली इस चैनल तो अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। किमें तुम इस चैनल तो अपनी तैयारी कर सकते हो, तो हम इतने पूरा का पूरा सिलेबस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और एम सी क्यूज भी ने जो वो अपने 100 एम सी क्यूज फॉर अकॉर्डिंग टू एवरी चैप्टर है ना। हर चैप्टर से आप 100 एम सी क्यूज करते हैं और वो भी सीरीज तो हमें इतने देखने को मिलेगी। नियर अबाउट 10 डेज अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाना है। प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक आज आप मैं थोड़े नाल कंप्लीटली शेयर कर देना है, ठीक है। और इस तरीके नाल अपना सिलेबस जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा 10 दिन के विच विच, और उस तो बाद अपना जो एम सी क्यूज ने वो अपन लाइव क्लासेस के विच कंटिन्यू करांगे। सो किसी ने भी अगर कोई डाउट है तो वो देख सकते हैं, ठीक है। मैं मैसेज भी लगाया हुआ है थानू। इस तो इलावा ये अपना चैप्टर नंबर 17 है। इस तो पहला काफ़ी चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं एंड जिन्होंने हल तक तैयारी नहीं शुरू की वो तैयारी शुरू कर सकते हैं विदाउट एनी कोस्ट। तुम अपना पूरा जो कोचिंग है उतो लै सकते हो, ठीक है जी। अगर तुम फर्स्ट टाइम आए हो दैन प्लीज डोंट फोरगेट टू लाइक शेयर एंड सबसक्राइब। तो अज ये जो है अपना प्रोबेबिलिटी का सैकेंड वीडियो है जिद आप अगे वधांगे। इस तो पहला तो बहुत ही बच्चों जी वाली चीज़ा जो कि मैंने लगे एक बार शेयर करनिया जरूरी ने, मतलब बहुत ही सिंपल सिंपल जी चीज़ा वो सारिया थोड़े न शेयर कितिया। अज आप प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट करांगे, कि टर्म्स होंदिया ने सारा कुछ देखांगे, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं इवेंट तो, कि इवेंट की होंदा है, ठीक है जी। तो इवेंट अपने को होंदा है, इस तो पहला आप पढ़ चुके हैं सैंपल स्पेस की होंगी है, ठीक है, रैंडम एक्सपैरिमेंट की होंगे और हूँ आप गल कर रहे हैं इवेंट की। तो जेकर तुम सिंपल कहो तो तुम ये भी कह सकते हो इवेंट इज द पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस। तुम ये गल भी आराम न कह सकते हो कि जो इवेंट है वह मेरे को होएगा सैंपल स्पेस का पार्ट होंगे है, ठीक है। सपोज मैंने की कितनी एग्जाम्पल लैके दस दें, एग्जाम्पल लैके थोड़ा कोई डाउट आई डोंट थिंक सो रहेगा कि एग्जाम्पल लै लें आप। लैट मैंने की कितनी कि डाई रोल किया, जो मैंने डाई रोल किया दैन इट इज़ वेरी क्लीयर कि मेरे को कि सैंपल स्पेस बनेगी, कि पॉसीबल आउटकम्स है। मेरे को 1 2 3 4 5 6 ये मेरे को पॉसीबल आउटकम्स है, ठीक है। तो एक तो मैंने इवेंट लै लिया, मैंने कहेंदे थोड़े को जो भी आना चाहिए वो थोड़े को सिर्फ तो सिर्फ ऑड नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो एक इन्होंने मैंने दे दी कंडीशन दे दी, जै कह लो कि हाँ जी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने लिए कह दिता कि थोड़े को जो आनी चाहिए आउटकम इज द इवन इज द इवेंट दैट नंबर अपीयर्स इज ऑड नंबर, मतलब तुहाडे कोल जो नंबर आना चाहिए ऑड नंबर आना चाहिए, दसो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो पहले तो मैंने ऑड नंबर कढ़ने पैणगे ना, तो ऑड नंबर मेरे को किहड़े-किहड़े होणगे, 1 होएगा, 3 होएगा और 5 होएगा। ये मेरे को की हो गया एक इवेंट हो गया विच इज़ अ पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस। हूँ मैंने उम्मीद है थोड़ा समझ आ गया होगा कि इवेंट की होंगे, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं कह देवा भी मेरे को ईवन नंबर आना चाहिए जी, ईवन नंबर का इवेंट मेरे को बन जाएगा 2 बन जाएगा 4 बन जाएगा 6 बन जाएगा, दैन इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सैंपल स्पेस, ठीक है। जेकर मैं कह देव कि सिर्फ तो सिर्फ वो नंबर आने चाहिए ने जेडे कि ना कि ग्रेटर दैन होन 5 तो ईवन नंबर होन, तो ग्रेटर दैन 5 तो होन तो ईवन नंबर होन, तो मेरे को सिर्फ तो सिर्फ एक ही नंबर है विच इज 6। सो इन्हों आप बोलते हैं जी इवेंट बोलते हैं, और इन्ना बिना अपना कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अपन जेकर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी, जेकर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसमें आप पहली गलते रिप्रेजेंट किदा करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, और मेरे को किस दे इक्वल हुंदी है, और मेरे को इक्वल हुंदी है जी नंबर ऑफ केसिस, नंबर ऑफ ट्रायल्स लिख लो या केसिस लिख लो, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस। हुण जिहड़ा तुसीं पिछे क्वेश्चन देखिया सी, पिछे तो देखो मेरे को टोटल नंबर ऑफ केसेस किन्ने है, 6 ने, ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ केसेस मेरे को किन्ने ने, 6 ने। इन्होंने मैंने कहता कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि थोड़े को जब तुम डाई रोल करते हो तो थोड़े को ऑड नंबर आवे, तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी मेरे को किन्नी आ गई। मेरे को ऑड नंबर 1 आ सकता, ऑड नंबर 3 आ सकता, ऑड नंबर 5 आ सकता। मैंने तो इन्होंने तिना की ही प्रोबेबिलिटी कढ़नी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि तिना चो कोई एक आऊगा, बट तिना के विचों कोई एक आने की प्रोबेबिलिटी कढ़नी है, क्योंकि 2 तो ईवन हो गया, 4 भी ईवन हो गया, 6 भी ईवन हो गया। तो जेकर मैं ऑड नंबर की गल कर रही हूँ तो मेरे को सिर्फ 3 चीज़ें ही बनिया जिन्हों के इवेंट हैपन होएगा, जिहड़े इवेंट की मैं गल कर
ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਵੈਂਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਗਏ? 3 ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ, 1/2 ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਆਨਸਰ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਹੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਕੁਛ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਐਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਵੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਲਵੇਜ਼, ਆਲਵੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ 0 ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 100% ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, 100% ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 1 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਗੇਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? 100% ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 1 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ 1 ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ 100% ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ 0 ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਗੇਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਗੇਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲੀ ਉਸਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਨੀਚੇ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਤਾਂ 0 ਹੋਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ 1, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ 0। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਈ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 1 ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਕਹੋਗੇ? ਸ਼ੋਰ ਇਵੈਂਟ ਕਹੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਥਰਡ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, 0 ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਇਵੈਂਟ, ਨਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕਾਂਟ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕੱਢੋ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਨੋਟ ਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਉ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਡਾਈ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਕੱਢੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 5 ਜਾਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 2/6 ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ 5 ਆਏਗਾ ਜਾਂ 6 ਆਏਗਾ, ਔਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 6, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ, 1/3 ਆ ਗਈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 5 ਜਾਂ 6 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ 5-6 ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨੋਟ ਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 5-6 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ 1 ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਈ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ 1 ਇਸਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਉ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2/3 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ, ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਨੋਟ ਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਟ ਈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਗੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਟੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਜਾਂ ਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰ
ठीक है। तो सैट के आप कि करते होंगे सैट के आप करते होंगे प्रोबेबिलिटी सॉरी किसी भी सैट का कॉम्पलीमेंट माइन फाइंड आउट करना उस सैट को यूनीवर्सल सैट के माइनस कर देते होंगे और भी सेम काम है बस उरे जो यूनीवर्सल सैट है उसकी जगह सैंपल स्पेस ने ले ली तो सैंपल स्पेस माइनस जोड़ा भी सैट है उन्होंने माइनस कर दूगा तो उत्थे ही है ठीक है। तो इस तरीके रिप्रजेंट किया जाता है। चलो तो अभी बेसिक जी गल ठीक है। हम अगर आप गल करिए इवेंट्स की तो इवेंट्स दी ना टाइप्स होंगे ने टाइप्स ऑफ इवेंट्स ये सब तो पहली टाइप तो आ जाती है जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ठीक है। तो जेडी इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ने वो आपां नूं किवें पता लगेगा अपन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो दो इवेंट थानूं दिते म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है गे ने या नहीं है गे ये वो है ना तो आपां नूं किवें पता लगेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फर्स्टली गल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे की ने जदों मैं कहां कि दो सैट ने और दोनों सैट की इंटरसैक्शन मेरे को आ गई फाई आ गई ठीक है। तो वह मेरे को इवेंट हो गए मेरे को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गए ठीक है जी। लैट कर लो इतने मैंने की किया एग्जाम्पल लै लो एक लैट कर लो मैंने एक कॉइन टोस किया जो मैंने कॉइन टोस किया तो मेरे को सैंपल स्पेस कि बन गई हैड या टेल बन गई ठीक है। तो मैंने ये सबसैट बना ले पहली गल तो ऑर्डर ऑफ एस कि ऑर्डर ऑफ एस मेरे को टू है तो करके जो मेरे को नंबर ऑफ सबसैट बनने और नंबर ऑफ सबसैट मेरे को किन्ने बनने नंबर ऑफ सबसैट मेरे को बनने फोर तो कि सबसैट बनने मेरे को एक तो बनेगा फाइव एक बनेगा मेरे को एच ठीक है जी एक बनेगा मेरे को टी और एक बनेगा मेरे को एच एंड टी यही मेरे को नंबर ऑफ सबसैट बन ठीक है। तो यह जेडे नंबर ऑफ सबसैट होंगे ने यह अपने को जोड़ा ए वाला होएगा इसनों आप इवेंट बोलते हैं एम्पटी ठीक है जी इसनों आप एम्पटी या फिर नल इवेंट बोलते हैं जो थानू पता भी वह कम किया तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी खाली आ गई है ना। तो यह मेरे को जो इवेंट होंगे इस इवेंट नूं आपां केड़ा बोलते हैं कंपाउंड कंपाउंड इवेंट बोलते हैं ठीक है। और जेडे ए मेरे को बच गए ये जो मेरे को इवेंट होंगे ने इन्हों आप सिंपल या फिर एलीमेंटरी इवेंट बोलते हैं सिंपल और एलीमेंटरी ठीक है। यह सारा कुछ सैट नाल रिलेटेड है जो थोड़ा सैट प्रोपरली आता तो आई थिंक प्रोबेबिलिटी के कोई डिफिकल्टी होगी ठीक है। तो इस तरीके आराम देख सकते हो हूँ जो मैंने दो सैट ले ठीक है दो सैट की इंटरसैक्शन मेरे को आ गई फाई आ गई तो वो जो दो मेरे को हो गए वो मेरे को हो गए जी म्यूचुअली एक्सकलूसिव हो गए ठीक है जी म्यूचुअली की होंगे एक्सकलूसिव होंगे। हूँ इतने जो मैं प्रीवियस एग्जाम्पल की गल करा मेरे को फर्स्ट इवेंट तो सैकेंड इवेंट की जी इंटरसैक्शन से आ गई सी फाई आ गई इसनों मैंने ई थ्री का नाम दे दिता इसनों ई वन का ई टू का ई फोर का ठीक है। तो जरा फर्स्ट इवेंट से सैकेंड इवेंट से उस इंटरसैक्शन मेरे को फाई आ गई तो मतलब यही दोनों इवेंट आपस इवेंट ने म्यूचुअली एक्सकलूसिव इवेंट ने क्लीयर ठीक है जी। तो अगर आप गल करिए म्यूचुअली एक्सकलूसिव इवेंट के होती है इंटरसैक्शन फाई होंगी है। सैकेंड अपने को जो टाइप बनती है वह बनती है एग्जोस्टिव इवेंट की एग्जोस्टिव इवेंट। हुण एग्जोस्टिव इवेंट कि होंगे ने एग्जोस्टिव इवेंट होंगे ने जो तुहाडे कोल दोनों की मैं यूनियन करा दोनों की मैं यूनियन करा तो थोड़े को सैंपल स्पेस द इक्वल आ जाए उसनों आप कि सैट बोलते हैं उसनों आप एग्जोस्टिव सैट बोलते हैं। हूँ यही जे मैं ई वन तो ई टू की यूनियन करा तो कि मेरे को सैंपल स्पेस बन जाती है बिल्कुल बन जाती है ना दोनों की यूनियन करके मेरे को सैंपल स्पेस बन जाएगी बिल्कुल बन जाएगी। तो यह मेरे को हो गया एग्जोस्टिव इवेंट हो गई। तो यह मेरे को इवेंट्स दाइप्स होंगे ने कि जे तो थोड़े को यूनियन करके अपने को सैंपल स्पेस बन रही है वापस सैंपल स्पेस के कोल आ रहा है दीज आर नोन एज एग्जोस्टिव एंड अगर थोड़े को इंटरसैक्शन फाई है दैन दीज आर नोन एज म्यूचुअली एक्सकलूसिव ठीक है क्लीयर है। तो हूँ यह तो हो गया सी इवेंट्स दाइप्स। एक अपने को जी इक्वली लाइकली equally likely events ठीक है। equally likely events केड़े होंगे ने जिदे विच number of elements equal होन उन्होंने आप equally likely events बोलते हैं। if number of elements in A is equal to number of elements in B then A and B are equally likely events ठीक है।
ठीक है जी। अगर दोनों के नंबर ऑफ एलीमेंट्स सेम ने, जिमें कि हूँ ई वन के भी नंबर ऑफ एलीमेंट्स किन्ने से, नंबर ऑफ एलीमेंट्स ई वन के भी वन से, नंबर ऑफ एलीमेंट्स ई टू के भी किन्ने से वन से, तो यह दोनों की हो गए इक्वली लाइकली इवेंट्स हो गए, है ना। ये भी एक एलीमेंट है, ये भी एक एलीमेंट है, दैन दीज आर नोन एज इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है जी, क्लीयर है। तो यह सगा इवेंट्स, ठीक है, इवेंट्स दी टाइप्स हो गई। हूँ ये एक क्वेश्चन ये भी बनता है, कैन वन मिनट, कैन टू इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बोथ, कि दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ते एग्जॉस्टिव दोनों ही हो सकते हैं, तो ये विषय कोई डाउट नहीं होनी होनी। आप एग्जाम्पल करके हटे हाँ, जरा आप इवेंट की एग्जाम्पल लैके हटे हाँ ई वन ई टू की, वह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी सके और वह एग्जॉस्टिव भी सके, तो यह कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी दो इवेंट ने दोनों ही हो सकते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो एग्जॉस्टिव दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है जी, इट इज पॉसिबल, ठीक है, क्लीयर है। हुण आप अगे गल करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, इंडिपेंडेंट इवेंट्स केड़े-केड़े होंगे ने। हुण आपां इदां करदे आं, थोड़ा जिहा इसनूं सैट दे नाल रिलेट कर लैंदे आं ताकि थोड़ा जिहा आपां नूं समझ आ जावे कि फर्क की है सैट ते प्रोबेबिलिटी च। रियलिटी इह है वी दोनां दे विच कोई भी फर्क नहीं हैगा। मान लो जेकर तुहानूं कह दिंदे ने कि नोट ए फाइंड करो, नोट ए फाइंड, जेकर तुसीं आपां सैट की गल करिए तां आपां नॉर्मली उसनूं कहिंदे सी कि कॉम्पलीमेंट फाइंड करना, तां उह चीज़ इत्थे है। जेकर तुसीं नोट ए की प्रोबेबिलिटी कढ रहे हो तो उसनूं भी आपां कुछ इस तरीके नाल ही रिप्रजेंट करते हैं, मतलब कि है बंदे विचों उसकी प्रोबेबिलिटी नूं माइनस करना। जेकर तुहानूं कह दिंदे ने ए और बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो, ए और बी का मतलब तुसीं समझ गए होंगे कि एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, मतलब जां तां ए होवे जां बी होवे। ए और बी नूं अगर तुसीं बोल के देखो तो यही चीज बनती है, ए और बी का मतलब हो गया जां ए जां बी, मतलब इसका की हो गया, ए हो सकता कला ए जी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, जो कला बी जो दोनों भी हो सकते हैं। तो इस केस दे विच तुसीं की लैके चलते हो, दोनों की यूनियन नूं ही सोल्व करते हो, फाइंड आउट करते हो, ठीक है। अगर तुसीं गल कर रहे हो ए एंड बी दी, देन इट इज वेरी वेरी क्लीयर, ए एंड बी का मतलब की हुंदा दोनों, बोथ, ए भी होना चाहिए बी भी होना चाहिए, जेकर कोई एक भी नहीं है दैन नहीं है, तो अपने को ए इंटरसैक्शन बी हों, ठीक है। तो जिमें सैट के हों सारी चीज सेम इतें है, कोई भी फर्क नहीं है। जो तुम कहने ए तो हो बट नॉट बी हो, इदा के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ने जिद कहने फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, है ना। तो उत्थे आप गल कर रहे हैं ओनली ए की, मतलब सिर्फ आप ए की गल कर रहे हैं, तो इसमें तुम किस तरीके लिखोगे, इसमें तुम ए माइनस बी भी बोल सकते हो, या फिर तुम इसमें ए इंटरसैक्शन बी का कॉम्पलीमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो सैट के नाल इसका काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है। उस तो बाद अगर आप गल करिए, जेकर आप कह रहे हैं नाइदर ए नोर बी, कि ना तो ए हो ना ही बी हो, ठीक है जी, ना ए होवे ना ही बी होवे, मतलब दोनों का ही कॉम्पलीमेंट हो गया, मतलब ये चीज अपने फाइंड आउट करनी होएगी, ठीक है। सो इस तरीके नाल तुसी सारे ही क्वेश्चंस ने जो सैट दे नाल रिलेट करके फाइंड आउट आराम नाल कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो यह तो सी अपनी बेसिक जी गल्लां, ठीक है, जिदे विच मैनूं लगता कोई भी थोड़ा डाउट नहीं होगा। सिंपल सिंपल जी गल्लां सी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की हुंदा, इक्वली लाइकली इवेंट्स की हुंदे ने, एग्जॉस्टिव इवेंट्स की हुंदे ने, नेगेशन की हुंदा किसी इवेंट का, सैंपल स्पेस अपनी हो गई है, नोटेशन एक बार सिंपल जी ने, है ना। उस तो बाद आप गल करांगे क्लासिक प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी, क्लासिक प्रोबेबिलिटी की। हुण क्लासिक प्रोबेबिलिटी की हुंदी है, ठीक है, उस तो बाद आप गल करांगे थ्यूरम्स वगैरह कुछ होनगिया, वो सारा कुछ अपन नैक्सट वीडियो के करा, ठीक है। इस तो बाद अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वगैरह यह सारिया चीज़ा शुरू हो जाएगी, ठीक है जी, शुक्रिया।